अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो वीडियो है हमारा, ये हमारे बाकी वीडियोस से अलग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो एक अफसोसनाक वाक्य के बारे में है जो हमारे साथ पेश आया है आज से 4 दिन पहले। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ CCTV फुटेज दिखाना चाह रहा हूँ, वो देख लो पहले, क्योंकि मैं जिस वक्त वो हादसा हमारे साथ पेश आया उस वक्त हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया और ना हम इतने होशो आवाज़ में थे कि हम शूट करते कि हमारे घर पे रॉबरी हो गई है, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, ऐसा हो गया। बस नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमें लिटरली 2 दिन तक हम लोग सदमे में थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हुआ। सो 2 दिन बाद जाके कुछ हमें समझ आने लगा है। मतलब उस 2 दिन तक हम लोग ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, ना ठीक से सोए, ऐसे हो गए थे हम लोग। खैर, तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे घर पे जो रॉबरी हुई है उसके बारे में। 2 डकैत थे हमारे घर में, घुस गए थे और उन लोगों ने मेरे भाई पे पिस्टल वगैरह रख के मेरे भाई से सब कुछ ले लिया और हमारे घर पे जो भी कैश था सब ले गए, मोबाइल वगैरह ले गए। सो ये CCTV फुटेज इस बात का सबूत है कि हमारे घर पे रॉबरी हुई थी और 3-3 मोबाइलें हमारे घर पे आई थी। आप देख सकते हैं इस फुटेज के अंदर कि 3 मोबाइलें एंटर हो रही हैं हमारे कंपाउंड में। ये जो कैमरा फुटेज अभी आप देख रहे हैं, ये मेरे कंपाउंड की है जिस जगह मैं रहता हूँ। हम एक कंपाउंड में रहते हैं तकरीबन कोई 9-10 साल से या 11 साल से हम एक कंपाउंड में रह रहे हैं, कॉलोनी बोल लो या कंपाउंड बोल लो। सो ये CCTV फुटेज वहाँ की है, ये 3 मोबाइलें अंदर एंटर हो रही हैं। मेरे वालिद साहब भी खड़े हुए हैं वहाँ पर और मेरा कज़न भी खड़ा हुआ है। और हम जो घर वाले थे, मैं, मेरी मम्मा, आपकी भाभी, मेरी दोनों बहनें, हम सारे थे इम्तियाज़ में। घर पे सिर्फ मेरा भाई मौजूद था और मेरे वालिद साहब थे ऑफिस में। ये हादसा जो पेश आया हमारे साथ, ये तकरीबन 8 या 8:30 बजे के वक्त पेश आया है और हम उस वक्त इम्तियाज़ में थे। हम दरअसल घर का राशन लेने गए थे, उस घर का भी और इस घर का भी, तो हम सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ चले गए थे। मेरा भाई इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको जिम जाना था, तो वो जिम जाने के लिए निकल रहा था, इसलिए वो नहीं जा पाया हमारे साथ। और मेरे वालिद साहब उस वक्त ऑफिस में होते हैं, हम उस वक्त इम्तियाज़ में थे। अब हम इम्तियाज़ में ही थे और मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया कि उमर कहाँ हो। मैंने बोला हम तो इम्तियाज़ में हैं। बोलता है कि घर में पैसे कहाँ पड़े हैं। मैं, क्या हुआ, खैरियत? बोलते हैं हाँ, वो पीछे से लोग आए हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कितने पैसे मांग रहे हैं? 100-200 हज़ार, कितने हैं? मतलब हमारे घर पे ना आते हैं लोग, मतलब मांगने वाले कुछ आते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, तो हम उनको देते रहते हैं 100-200 जितने भी हमारे वश में होता है। तो हम समझे कि वैसे ही कुछ लोग आए हैं और उबैद इसलिए पूछ रहा है। लेकिन फिर जब हमने उबैद से ज़्यादा फोर्स करके पूछा तो उबैद रोने लग गया और रोते हुए उसने बोला कि उमर मेरे सर पे पिस्तौल रखी हुई है, मुझे जल्दी बताओ पैसे कहाँ पड़े हैं, और वो रो रहा। अब जब मैंने ये सुना, मैंने अम्मी को बताया, अम्मी तो उसी वक्त अपने आप को रोने लग गई और अम्मी से पूछा। मैंने बोला अम्मी देखो, ये जो अभी सिचुएशन है ये हमें तामुल से करनी है, इत्मीनान से। मैंने बोला बस इतना बताओ कि पैसे कहाँ पड़े। अम्मी ने बोला इस जगह ऐसे ऐसे पैसे पड़े हुए हैं। खैर, हमने उबैद को बताया कि उबैद इस जगह इतने पैसे पड़े हुए हैं, आप दे दो उनको उठा के और उनको बोलो कि बस जाओ पैसे ले लें। तो खैर, उबैद ने ये सब किया और उबैद, अब उसके बाद का जो सीन, हमारा जो सीन था, जैसी कॉल कटी है, मैंने बस इतना बताया कि उबैद यहाँ पैसे पड़े हुए, कॉल कर दी, कॉल कटी है। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने बोला पापा आप कहाँ? पापा ने बोला ऑफिस में। मैंने बोला जल्दी से घर जाओ, उबैद के ऊपर पिस्टल रखी हुई है और वो उससे पैसे मांग रहे हैं, घर पर डकैत आए हुए। अब पापा भी डर गए, पापा फ़ौरन घर के बाहर आए, कंपाउंड में, कंपाउंड के गेट के बाहर आए और पापा ने मोबाइलों को, पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। इतनी देर में वो पैसे वैसे लेके चले गए थे और उबैद को काफ़ी मारा उन लोगों ने, मेरे भाई को, क्योंकि मेरे भाई ने उनके साथ थोड़ी सी ज़ोर आजमाई करी और उसने उन लोगों को बाहर निकालना चाहा घर से, बट वो उस बात पे गुस्सा हो गए ज़्यादा और उबैद को उन्होंने ठीक ठाक मारा। उबैद के बाल वाल लोचे, उबैद को मुक्के वगैरह मारे, काफ़ी मारा उबैद को, और उबैद के हाथ पे पिस्टल भी मारी जिससे उबैद के हाथ के टिश्यू फट गए। हमने फिर उसके बाद पट्टी वट्टी कराई है उसकी, खैर ज़्यादा वो कोई मसले वाली बात नहीं थी, वो 3-4 दिन पट्टी के बाद वो ठीक हो गया हाथ उसका। ये जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, हम लोग इसको समझने में हमें 2 दिन लगे और हमें, मेरी मम्मा तो आज भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस में है और वो बहुत परेशान हुई है। वैद भी बहुत ज़्यादा डर गया है और हम भी काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। अब सारी बातों को साइड पे रख के एक बात करने वाला हूँ आप लोगों से, प्लीज़ वो सुन लेना। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है
मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं किसी तरह की सिंपत्ति गेन कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो लोग अपने घरों पे रहते हैं, जो लोग अपने आप को महफूज समझते हैं अपने घरों में, तो वो आज के दौर में मेरी नज़र में, मेरी मम्मा की नज़र में महफूज नहीं है। और ये वीडियो स्पेशली मुझे मम्मा ने फोर्स किया कि उमर तुम बनाओ ये वीडियो और लोगों को बताओ कि जो हादसा हमारे साथ पेश आया है वो कल करा को किसी और के साथ पेश ना आए, तेरा वीडियो देख के कुछ लोग होशियार हो जाएं। कि इस बात को साइड पे रखते हैं और चलते हैं नीचे मेरे घर पे जहाँ पे ये वाकया पेश आया, और कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, ये सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और शायद हो सका तो मम्मा से भी मिलवाऊँगा मैं आपको। बाकी बस मैं इतना बोलूँगा कि इसको नेगेटिव वे में मत लेना। ये वीडियो हमारे रॉबरी के 4 दिन बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं होशो आवाज़ में ये वीडियो बनाना चाह रहा था और CCTV फुटेज वगैरह निकालने में मुझे 3 से 4 दिन लगे, इस वजह से भी ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया। और ये कोई झूठ नहीं है, ये हमसे पूछो कि हमारे पे क्या गुजर रही है। बस अब नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे घर की बैक साइड जहाँ से वो आए थे, ये जो है ये दरवाज़ा, ये हमारे घर के पीछे का रास्ता है। और जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैंने यहाँ पे अपने लिए एक जिम बनाया था, वो फिलहाल फिर मैंने वो ख़त्म भी कर दिया था बाद में। ये वाला जो दरवाज़ा है ये हमारे घर के पीछे की साइड पे है। अब वो चोर जो थे वो इस तरफ से आए थे या फिर वो इस तरफ से आए थे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये वाली जो साइड है, ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ये हमारे कंपाउंड का हिस्सा नहीं है। ये पीछे एक दूसरा इलाका लगता है, ये उसकी दीवारें हैं, मतलब ये हमारे कंपाउंड का जो हिस्सा है वो यहाँ तक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपनी खिड़कियाँ निकाली हुई हैं। बेद ने गेट खोला तो बेद ने देखा एक लड़का अंदर आया, उसको बेद ने यूं करके पुश किया तो पीछे से दूसरा आ गया पिस्टल लेके और उबैद को धक्का दे के, उसको धक्का दे के अंदर घुस गया। और यहाँ पे उबैद के बाल वाल यूं पकड़ के उबैद को मारा है, बहुत मारा है उबैद को, फिर इस दीवार पर भी मारा है। और इसी दीवार पे उबैद का हाथ रख के उसने पिस्टल मारी उबैद के हाथ पे और बोला कि अगर ये मार सकता हूँ तो गोली भी मार सकता हूँ, तो शराबपुर से बैठिया चुपचाप, उबैद को ये बोला उसने। तब जाके उबैद डर गया तो वो चुप हो गया, वरना उबैद जोर आजमाई कर रहा था, उनको घर से निकालने की कोशिश कर रहा था। वो हम अपने घर से निकलते हुए भी हमें डर लग रहा है कि बाहर कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता या घर में कुछ ना हो जाए। 3 दिन से सोच सोच के दिमाग सुन हो गया कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमें पता चला कि औरों के साथ जब होता है तो उन बेचारों पर क्या गुजरती होगी, जो बेचारे कम कमाने वाले होंगे उनके साथ जब होता है तो बेचारों पर क्या गुजरती होगी। जब माशाल्लाह हम साहब हैसियत है हमारे साथ हुआ, हम तो दिमाग सुन हो गया, सोच सोच के क्या हो गया, घर बैठे बैठे क्या हो गया हमारे साथ।